आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, जिस तरह से सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम कब्र में मैयत को राहत देती है और मैयत को कब्र की अजाब से बचाती है, उसी तरह से चुगलखोरी करना और पेशाब की छींटों से ना बचना, ये दोनों काम भी मैयत को कब्र के अजाब में मुफ्तला कर देते हैं। यानी कि ये दोनों कामों से मैयत को कब्र में तकलीफ होती है, इसीलिए हम लोगों को इन दोनों कामों से बचना चाहिए ताकि हम लोग कब्र की अजाब से महफूज रहें। बाज बुजुर्गों से रिवायत है कि किसी बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। एक बाप का वो जवान बेटा था, फिर उसकी लाश को गुसल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसकी कफन दफन की तैयारी करते हैं और कब्र की खुदाई भी मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़कर उसके लाश को कब्रिस्तान में ले जाया गया और मैयत को कब्र में रख दिया गया। उसको मिट्टी दे दी जाती है। उसके बाद लोगों ने जब उसके लाश को सुपुर्द खाक करके कब्रिस्तान से जाने लगे तो कब्र के अंदर से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और अचानक कब्र के अंदर से एक काला कुत्ता निकलकर भागने लग जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गया और सोचने लग जाते हैं, या अल्लाह, एक ऐसा मंजर है। तभी एक बुजुर्ग शख्स ने कुत्ते से पूछा, तेरी नासो कमबख्त, तू कौन सी बला है और तू यहाँ क्या कर रहा था? ऐ सुनकर उस कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं इस मैयत का बदअमल हूँ, जो उसने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए थे, मैं उसका सिला हूँ। तो उस बुजुर्ग ने पूछा, ए जो जोरदार धमाके की आवाज आई, उस धमाके की चोट किसको लगी है? कुत्ते ने कहा कि इसकी चोट मुझे लगी है और मैयत बिल्कुल महफूज है, सही सलामत है, क्योंकि उसके पास सूरह मुल्क, उसके अलावा बहुत सारे सूरतें उसको बचाने के लिए आ गई जिसका वो वृद्ध रखता था। उस सूरतों ने मुझे उसके पास जाने नहीं दिया और मुझे मार मार कर बाहर फेंक दिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इस वाक्य से ये मालूम होता है कि कब्र में बुरे और अच्छे अमल का मुकाबला होता है। अगर बुरे अमल ज्यादा हो जाती है तो वो सारे अच्छाई को दबा देती है, और अगर नेक अमल ज्यादा होती है तो वो सारे बुराई को दबा देती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कब्र आखिरी मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से जितने भी मंजर देखे हैं, कब्र का मंजर इन सब से हौलनाक है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू हमें बुरे कामों से रोक ले और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हमें कब्र में कोई परेशानी ना हो। आमीन। सुमा